आजकल कई लड़के लड़कियों की शादी लंबी नहीं टिकती है और बीच में ही टूट जाती है, कई प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसका क्या क्या कारण है, उसमें से अपन थोड़े कारण का डिस्कस करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुरेश लोहिया है और मेरी इस मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का सब्जेक्ट है सोशल। आजकल लड़के लड़कियों की सगाइयाँ बहुत मुश्किल से हो रही है, उनके कई कारण हैं, उनको अपन थोड़ा वो सुधार लेते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं सगाइयाँ होने की। उसका मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वो दबा के देख सकते हैं। आज अपन बात करते हैं कि शादी होने के बाद में भी आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है, शादी टूट जाती है बहुत सारे बच्चों की, उसका क्या कारण है। देखिए, बच्चों का ईगो तो है ही, वो तो सबको पता है, आजकल बच्चों का ईगो बहुत बढ़ गया है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे कारण की बात करने जा रहा हूँ जो शायद अपने को पता नहीं है, लेकिन अपन जाने अनजाने वो अपन कर रहे हैं जो अपने को नहीं करना चाहिए, और वो मेन रीज़न बन सकता है बहुत बार। देखिए क्या होता है कि लड़की वैसे भी आजकल 25, 27, 28, 30, 32 साल की लड़कियां होती है वो शादी करके जाती है, तो वो 28, 30, 30 साल तक अपने मायके में रहती है, परिवार में रहती है, तो उनके साथ उसका अटैचमेंट ज़्यादा होता है। और जब वो नए परिवार में जाती है तो उसको टाइम लगता है सेट होने में। लेकिन वो जाते ही, आजकल मोबाइल का युग है, तो वो अपने माँ बाप से मोबाइल पर हर दिन बात करती है, जिसमें माँ का मेन रोल होता है। लड़की माँ से ज़्यादा बात करती है और वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है, क्योंकि एक तो लड़की नई होती है वहाँ पे, इसलिए उसको सेट होने में टाइम लगता है, तो उसका जो एटमोसफियर है वो जल्दी सेट नहीं होता है, तो वो सारी बातें बताएगी, मेरी आज सास ने यह बोला, मेरे ससुर ने यह बोला, हस्बैंड ने यह बोला, खाने में यह प्रॉब्लम थी, वो थी, यह थी। बट नेचुरल है कि माँ का दिल दुखता है, तो वो उसको और दो बार समझाएगी कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तेरे सास को ऐसा बोलना, तेरे ससुर को ऐसा बोलना। यह प्रॉब्लम आजकल बहुत लंबी चल रही है। मेरी आपसे, ज़्यादातर जो माएँ हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लड़की से कम बात कीजिए, जितनी ज़रूरत है उतनी बात कीजिए। और अगर बात करते हैं, आपको लड़की प्रॉब्लम्स बताती है जो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और वो एक आध साल रहती है, सबके रहती है, तो आपको आपकी लड़की को समझाना है कि जी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, कोई बात नहीं है, तो इसका ऐसा कर, ऐसा निकाल कर, ऐसा। आपको उसको पॉजिटिव वे में समझाना है, उल्टा आपको उसको भड़काना नहीं है। यह मेन आपको बात ध्यान रखनी है। सबकी लड़कियां लाडली होती है और सबको दुख होता है सुन करके, लेकिन ये पहले भी होता था, पर पहले लड़कियाँ अपने माँ बाप को बताती नहीं थी, जबकि आजकल के सास ससुर तो इतना टॉर्चर करते ही नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में अपन उनको इंटरप्ट करते रहते हैं। यह एकदम गलत बात है, ये अपने को नहीं करना चाहिए, अपने को पॉजिटिव वे में ही उसको समझाना है। वो एक आध साल में धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाएगी, आपको यही बोलना है, आपका तेरा घर वो है, तेरे को संभालना है, तेरे सास ससुर से तो थोड़ी अलग वे में बात कर, इस तरह से बात कर, ऐसा करके आपको उसको पॉजिटिव बनाना है, तो ही उसका घर बच सकेगा। नहीं तो वो आप गलत बात बताएंगे, वो वापस जाके गलत बोलेगी, वो तू में होएगी और बाद में बात बढ़ जाएगी, फिर अपने घर आ जाएगी, तो वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इससे अच्छा कि साल भर वो तकलीफ सहन कर ले तो वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो ये मेन आजकल प्रॉब्लम चल रही है जो अपने को ध्यान में नहीं आती है, इसलिए आप इसको अवॉइड कीजिए, पॉजिटिव समझाइए उसको। हाँ, कोई बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो अपने को स्टेप लेना चाहिए, बाकी ये छोटी मोटी बातें होती रहेगी, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं अभी वापस बताता हूँ कि किसी का अगर मेरी बात से दिल दुखा है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, बाकी ये मेरा एक सुझाव है जिसको आप ध्यान देना चाहिए। अरे, आगे भी वीडियो आएंगे, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं अपना वीडियो पूरा करता हूँ, नमस्कार।